गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन स्टडी एट इलाहाबाद। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत आपके अपने इस चैनल पे करता हूँ। तो लास्ट टाइम पे हमने मैनिपुलेशन ऑफ एरेज देखा था। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है अपने एरे में किसी डेटा को खोजना। सर्चिंग का मतलब क्या हुआ? डेटा को खोजना, अपने एरे में किसी पर्टिकुलर डेटा को खोजना। तो यहाँ पे सर्चिंग के दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हम देखेंगे। पहला है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। कौन कौन सा? लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो बारी बारी से दोनों को देखते हैं। तो सर्चिंग इन एन एरे, तो सर्चिंग क्या है? सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ finding any specific data in our array, अपने array। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे लीनियर, दो मेथड पढ़ेंगे हम लोग। पहला है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। अब ये क्या होते हैं हम लोग बारी बारी से देखते हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। सबसे पहले हम लोग लीनियर सर्च के बारे में बात करते हैं। लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरा ये एरे है, ठीक है, मान लीजिए मेरा एरे है जिसका नाम है एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है इसमें। अब मान लेते हैं इसमें कुछ डेटा पहले से पड़ा हुआ है, 17 22 23 28 35 2 46 15 29 और 65 मान लो ये डेटा है, ठीक। अब मान लेते हैं इसमें हमें कोई डेटा खोजना है। सपोज हमें डेटा S खोजना है, S की वैल्यू सपोज है 46। क्या है? 46। तो लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, S को हर एक एलिमेंट से कंपेयर कर लें, पहले से x 0 से, फिर x, फिर और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें डेटा मिल न जाए या पूरा एरे खत्म ना हो जाए। अगर एरे खत्म होने से पहले मिल गया मतलब सर्च सक्सेसफुल, बता देंगे किस पोजीशन में मिला। और अगर नहीं मिला तो लास्ट में एरे के बाद जब खत्म हो जाए, आई की वैल्यू 10 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर उसमें एरे में है ही नहीं या सर्च सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो लीनियर सर्च में हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन में, लीनियर सर्च में क्या कर रहे हैं, एक लाइन में हर एक एलिमेंट से हम कंपेयर करके चेक कर रहे हैं कि हमारा डेटा मिला या नहीं। ओके, इसी को कहते हैं लीनियर सर्च। समझ में आया? तो लीनियर सर्च क्या है? Compare we compare each element of the array with the search value of the array with the search value। हम array के हर एक एलिमेंट को search value से compare करेंगे, one by one, बारी बारी से, until जब तक द required element is found, जब तक required element मिल ना जाए तब तक क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। या फिर और द एरे इज एग्जॉस्टेड, एरे इज एग्जॉस्ट, जब तक एरे खत्म ना हो जाए, एरे के सारे एलिमेंट खत्म ना हो जाए तब तक ये करते रहेंगे। मिल गया तो सक्सेसफुल हुआ, एरे एग्जॉस्ट हो गया मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। समझ में आया? तो इसी को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। अभी हमने बताया ना, पहले एक एरे लेंगे, एरे में इनपुट कराएंगे, एक नंबर एस में इनपुट कराएंगे, फिर एस से हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। किया जाए, लेट अस डू इट। तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखा जाए, लीनियर सर्च के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक एरे लेना है, डिक्लेयर कर लेते हैं। यहां पे हमने एक एरे ले लिया int x, सपोज साइज ले लिया 10, लूप चलाने में एक वैल्यू ले लिया i, सर्च करने के लिए एक नंबर इनपुट कराना है, हमने ले लिया s। यहां तक नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। पहला काम तो ये करें कि एरे में इनपुट कराएं, तो चलिए एरे में इनपुट करा लेते हैं। प्रिंटफ एंटर 10 नंबर्स इन एरे, एरे में 10 नंबर इनपुट कराइए और लूप चला करके बारी बारी से सब में इनपुट करा लेते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 0, i is less than 10, i plus plus, और इसके अंदर पहले मैंने मैसेज दिया printf एंटर अ नंबर और इनपुट कराने के लिए स्कैनफ %d एम्परसेंड x ऑफ i में इनपुट हो गया। ठीक है ना, अच्छी हैबिट। हाँ, इनपुट वाला काम एरे का पूरा हो गया है ना। अब हमें एक नंबर और इनपुट कराने जिसे खोजना है, क्या खोजना चाहते हैं ये भी तो इनपुट कराएंगे, तो चलिए करा लेते हैं। प्रिंटर एंटर नंबर टू बी सर्च, जिस नंबर को खोजना है वो इनपुट कराइए। स्कैनर %d %s और उसके बाद अच्छी हैबिट flush stdin, हो गया इनपुट वाला काम पूरा हो गया है ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, खोजना है, सर्चिंग। तो हमने क्या बताया था, लीनियर सर्च में क्या करेंगे, पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, x0 से, फिर x1 से, फिर x2 से, बारी बारी से सब कराएं। तो हम क्या करें, लूप चला लें, i की वैल्यू 0 से लेके 9 तक जाएगी और कंपेयर करेंगे। अगर बराबर है, s के बराबर है, तो वहीं से ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, मिल गया, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो एंड तक जाएंगे, अगर i की वैल्यू 10 हो गई मतलब नहीं मिला है ना, इसी को करते हैं। तो चलिए यहां पर हमने लूप चलाया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। अब इसके अंदर आपने चेक किया, इफ s बराबर x ऑफ i, अगर हमारा s x i के बराबर है, अगर बराबर है तो क्या करना है, बराबर है तो क्या करना है, आगे प्रिंट कर दो सक्सेसफुल और बाहर चले जाओ। इफ यहाँ पे प्रिंट करा दो, सर्च सक्सेसफुल एट पोजीशन, किस पोजीशन पे? परसेंट डी पे, और वहां पे i+1, आई तो इंडेक्स है उसके एक ज्यादा, क्योंकि अगर पांचवा इंडेक्स है मतलब 6 पोजीशन पे है। आ गया? अब यहां से ब्रेक कर दो, ब्रेक मतलब लूप से बाहर चले जाओ, नहीं तो कटता रहेगा इसमें। अब लूप से बाहर आया तो वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 10 हो चुकी है, तो चेक करो अगर आई की वैल्यू 10 है मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो प्रिंट करा दो इफ आई इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट एफ क्या? सर्च अनसक्सेसफुल, सर्च हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, काम खत्म, प्रोग्राम एंड। एक एक एलिमेंट से कंपेयर किया, अगर बराबर है तो प्रिंट किया सर्च सक्सेसफुल किस पोजीशन पे? i+1 पे, और ट्रैक करके बाहर आ गए। अगर नहीं मिला आई की वैल्यू 10 हो गई मतलब सर्च सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, समझ में आया? तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा लीनियर सर्च मेथड, जिसमें हमने क्या किया, अपने एरे में किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए एक एक एलिमेंट को कंपेयर किया सर्च वैल्यू से, अगर मिल गया तो ब्रेक करके बाहर आ गए और बता दिया सक्सेसफुल। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, एक एक एलिमेंट से कंपेयर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने क्लास में शिव प्रताप को बोलना है क्या आप शिव प्रताप हो? नहीं। आप वो? नहीं। आप वो? नहीं। एक एक से पूछते गए, जैसे इनसे पूछा नहीं हाँ मैं हूँ, काम खत्म, आगे पूछने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से ब्रेक करके बाहर आ गए। बट अगर मान लो ये नहीं है, सपोज हम इसमें हर्ष नाम के लड़के को ढूंढ रहे हैं कि आप हर्ष हो, हर्ष हो, हर्ष हो, लास्ट तक पहुंचे किसी ने नहीं बताया हर्ष है, तो मतलब हर्ष नाम का लड़का हमारे क्लास में नहीं। इसको कहते हैं लीनियर सर्च, एक लाइन में सबसे हम कंपेयर करते चले गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। देखिए लीनियर सर्च हमारा है तो आसान बट बहुत गंदा मेथड है। गंदा मेथड इसलिए है क्योंकि ये तो छोटा सा एरे हमने लिया, मान लो एरे में 1,00,000 एलिमेंट होते तो आपको 1,00,000 बार सबसे कंपेयर करना पड़ता, और मान लो उसमें है ही नहीं वो नंबर, है नहीं तो 1,00,000 बार कंपेयर करने के बाद पता लगेगा कि नहीं है। इज़न्ट इट? और चीज हो सकता है पहली बार सर्च करें वही मिल जाए, हो सकता है आखिर तक ना मिले, तो हमें श्योर नहीं है कि कहाँ मिलेगा, श्योरिटी नहीं, तो इसका सर्चिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये बहुत अच्छा सर्चिंग मेथड नहीं। अब दूसरा मेथड जो है जिसे हम लोग कहते हैं बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च में सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये हम तभी कर सकते हैं अगर हमारा एरे सॉर्टेड हो। एरे कैसा हो? सॉर्टेड मतलब एक क्रम में व्यवस्थित हो। अगर क्रम में व्यवस्थित नहीं है तो आप बाइनरी सर्च नहीं यूज कर सकते। तो बाइनरी सर्च इट रिक्वायर्स द एरे टू बी सॉर्टेड। हमारा एरे कैसा होना चाहिए? सॉर्टेड होना चाहिए। अगर सॉर्टेड नहीं है तो कल हमने बताया था लास्ट टाइम पे सॉर्टिंग कर लो, क्या कर लो? सॉर्टिंग कर लो। अब उसके बाद हम अपने एरे में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब बाइनरी, बाई का मतलब होता है दो, बाई मतलब इसमें हम क्या करते हैं अपने एरे को दो भाग में बांटते हैं। हर बार क्या करेंगे? एरे को दो भाग में बांटेंगे, और ये तय है कि हमारा नंबर जो नंबर सर्च वैल्यू है या तो पहले भाग में होगा या दूसरे भाग में। अगर पहले भाग में है तो दूसरे को हटा दो, इसी में है इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं। अब इसको भी फिर क्या करेंगे? दो भाग में बांटेंगे, या तो पहले में होगा या दूसरे में, जिसमें है उसको छोड़ के बाकी को हटा। इस तरह से करते करते हम लास्ट तक पहुंचेंगे, या तो हमें मिल जाएगा या एरे की साइज जीरो हो जाएगी। एरे की साइज क्या हो जाएगी? जीरो। जब एरे की साइज जीरो हो गई मतलब नहीं है। अगर मिल गया मतलब सक्सेसफुल। कैसे हो रहा है जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसको लिख ले, वी डिवाइड our array in two parts successively and search the data in one of the we repeat this process. हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे until required value is found or the size of array is reduced to zero. हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक एरे सक्सेसफुल सर्च ना हो जाए या फिर एरे की साइज जीरो ना हो जाए। यह हमारा बाइनरी सर्चिंग की टेक्निक है। समझ में आया? हम एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? हम एग्जाम्पल देते हैं तब उसके बाद प्रोग्राम पे आते हैं कैसे हम इसको करेंगे। मान लो ये मेरा एरे है x जिसमें 10 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। मान लो इसमें जो डेटा भी पहले से पड़े हैं डाल रखा है और सॉर्टेड ऑर्डर में है। सॉर्टेड नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते। मान लेते हैं हमारा पहला डेटा है 2 7 19 23 35 41 48 53 55 61। सॉर्टेड है, देख लो, है ना? हमने जानबूझ के सॉर्टेड डाला है। अगर सॉर्टेड नहीं है तो पहले बबल सॉर्ट से सॉर्ट कर लेना। अब यहाँ देखो हमारा जो सर्च वैल्यू है, बताओ क्या खोजना है? कोई भी बोलो। 41, चलो 41 खोजना है। आप ही के अनुसार हम खोज रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इस एरे को बीच से दो भाग में डिवाइड करते हैं। एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? तो मध्य वैल्यू क्या होगी? 5। आप ऐसे समझो लोअर इंडेक्स, सबसे छोटा इंडेक्स क्या है? 0। हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 9। तो मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट इक्वल्स टू एल प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो करो 0 + 9 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5। तो इंडेक्स में तो दसवां होता नहीं, हम सीधे सीधे 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4 मतलब पांचवा एलिमेंट। 4 मतलब यही तो है ना। तो पहले फोर्थ वाला पोजीशन को देखो, क्या ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है? क्या ये s के बराबर है? इज xm इक्वल्स टू s। xm मतलब x4। क्या मेरा s के बराबर है? नहीं है ना। मतलब ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। अब ये देखो s जो है, s ये इस xm से बड़ा है कि छोटा है? s xm से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बट s की वैल्यू 41 है, xm की वैल्यू कितनी है? तो ये तो तय है कि इधर तो होगा ही नहीं। बोलो, उधर होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो सब छोटे हैं, कहाँ होगा? आगे। आगे मतलब x x5 से लेकर के x9 के बीच में होगा, x5 से 9 के बीच में होगा, 4 तो है नहीं तो उसके आगे ही होगा, पीछे तो हो नहीं सकता। तो अब देखिए इस एरे में हमारा लोवेस्ट इंडेक्स क्या हो गया, m+1। इफ क्या देख रहे हैं, इफ s इज ग्रेटर देन xn, अगर x हमारा क्या है xn से बड़ा है तो क्या करें, लोअर इंडेक्स इक्वल्स टू m+1, लोअर इंडेक्स इक्वल्स टू। अब चलो चेक करो m+1 क्या हो गया, n हो गया 5, हाइट अभी भी क्या है 9। फिर से मिड वैल्यू निकालो, मतलब फिर यहां से कहां चले जाओ, ठीक है ना। अब जरा निकालो मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 9, 14 / 2 7, ये वाला क्या xms के बराबर है, बोलो नहीं है। अब बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, कौन s बड़ा है कि xm, xm बड़ा है, s छोटा है, s छोटा मतलब आगे तो हो नहीं सकता, होगा तो पीछे होगा, यानी कि कहां से कहां तक होगा, x5 से लेकर के x6 तक के बीच, तो है ही नहीं, x6 के बीच में होगा, बोलो भाई। तो यानी कि अगर if s is less than xm, अगर xm से छोटा है तो क्या करना है, हाई बराबर m-1, 7 से कम कर, यही तो हो रहा है। और इसके बाद फिर कहां चले जाओ, अब निकालो फिर से, अब क्या मिलेगा 5 + 6 11, 11 बटे 2 5 तो 5, क्या ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है? Yes. बोलो भाई। Yes. सर सक्सेसफुल, काम खत्म। कितने बार कंपेयर किया आपने? 3 बार में काम हो गया। लीनियर सर्च करते तो कितने बार करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो कौन सा बेटर हुआ है ना। और जितना बड़ा एरे होगा उतना ही आपको लगेगा कि ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, Isn't it? अच्छा अब की बार हम ऐसा डेटा खोजते हैं जो इसमें है ही नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और कौन सा डेटा खोजते हैं जो इसमें है ही नहीं। अब की बार कोई ऐसा डेटा लो जो इसमें ना हो। 26, चलो s बराबर 26, l 0 से शुरू होगा, h 9 से शुरू होगा, मिड वैल्यू निकालो 4 मिलेगा, है ना। Yes. 9 बटे 2 सही है ना। m कैसे निकालना है, l + h बटे 2 यानी कि 4 है। तो क्या ये वाला हमारा डेटा 26 है, xm 26 के बराबर है? नहीं है। तो s इससे छोटा है कि बड़ा है? छोटा, मतलब पीछे होना चाहिए। यानी कि if s is less than xm तो क्या करेंगे, h बराबर m-1, यानी h कितना हो गया 3। तो अब हमारा डेटा x 0 से लेकर के x 3 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो अब यहां से वापस चले जाओ कहां पे, यहां पे निकालो 0 + 3, 3 / 2 1, क्या ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है? नहीं। अब देखो s इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, मतलब if s बड़ा है तो क्या करते हैं, तब क्या करते हैं l बराबर n+1। तो l 0 था, अब कितना हो गया 1 + 1 2। तो अब यहां से फिर वापस यहां जाओ तो l हो गया 2, h अभी कितना था 3 था ना, 3। तो हमारा हो गया 2 + 3 5 / 2, 5 को 2 से डिवाइड करें 2 आएगा। तो क्या ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है? नहीं है ना। तो इसका मतलब s अभी भी देखो x m से बड़ा है कि नहीं, 2 से बड़ा है। बड़ा है तो मतलब क्या करेंगे, l बराबर m प्लस 1। l कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3। h ऑलरेडी कितना है 3 है, तो अब की बार मेरे पॉइंट क्या निकलेगा 3। क्या ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर है? नहीं है। तो नहीं है तो s इससे बड़ा कि छोटा है? बड़ा है। तो क्या होगा l बराबर m प्लस 1 3 प्लस 1 4। l 4 हो गया, हाई कितना हो गया 3। क्या कभी भी l हाई से बड़ा हो सकता है? जैसे हाई से बड़ा होगा तो साइज 0 हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा, है ना। तो मतलब जैसे ही l h से बड़ा हो जाएगा हम जाएंगे, काम खत्म, नहीं है इसमें। समझ में आया? इसी को कहते हैं बाइनरी सर्च। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ में आया ना सबको?